Jai Ram.
से यहाँ देखना आज हम लोग का बहुत बहुत अच्छा दिन है, इसलिए भागवत में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले आयुर हर वही पुंसान उद्दन अस्तन जन सो तस्ते जम खनम उतम श्लोक वर्ता है। इसका मतलब है कि जो सूरज है ना, कभी ये सूरज नहीं है, काल है। जैसे पूर्व दिशा में उदय हुए और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं, कहते एक दिन हमारे एक दिन उसने नष्ट कर दिया है, वो हमारे एक दिन नष्ट कर दिया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम तो बड़े हो रहे हैं। किसको पूछो कितना उम्र हो गया, मोच में हाथ लगा जानते हो हमने 50 साल में हो गए। लेकिन शास्त्र कहता है 50 साल के नहीं हुए, हमारी 50 साल जो फिक्स उम्र थी उससे खत्म हो गया है। हम कोई भी बड़े नहीं हो रहे, सब छोटे होते जा रहे, छोटे होते जा रहे ना। इसलिए श्री नारद जी हैं, कहते श्री नारद जी दक्ष प्रजापति बच्चों को प्रश्न करते हैं, बताओ तो ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती। बोले गुरु जी नदी थोड़ी दो तरफ में बहती, बहती तो एक तरफ में नदी बहती। बोले यही प्रश्न है, ऐसे कौन सा नदी है जो एक साथ में वो दो तरफ में बहती है, बताओ कौन सा नदी है। देखो तुम नदी को जो एक साथ में दो तरफ में बहती है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है काल का। कोई जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना, इसको पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि हम साधारण जगह पर बैठे हैं लेकिन काल के ऊपर में हम बैठे हैं, काल की। इसलिए सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है। बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णु दास, काल चक्र केवल भक्तों को देख करके वैष्णव को देख कर डरते हैं। बोले क्यों, बोले काल का जो काल है ना ये ठाकुर जी, उनकी कथा ये काल की काल है। इसलिए कहते भैया कभी समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, श्वास श्वास में भगवान के नाम निकलनी चाहिए, श्वास श्वास में हमारी ठाकुर जी की नाम निकलनी चाहिए। इसलिए ऐसे कोई खाली श्वास नहीं जाए जिस श्वास में हमारे नाम नहीं निकले, ठीक है ना। इसलिए गुरु जी कहते थे कहीं बाहर जाओ ना, भले पैसा लेना कभी भूल जाओ लेकिन माला लेना भूलो नहीं। ये माला कभी छूटनी नहीं चाहिए, ये माला हर समय अपना पास में जा रहनी चाहिए। जा रहे हो कहीं ट्रेन में बस में कहीं, बस माला लेकर के बैठ करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी की नाम को जप करते करते ठाकुर का चलो बस समय तुम्हारी सही हो गई। इसलिए यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं काल सभी का समय को नष्ट करता है लेकिन भगवान के भक्तों का समय को नष्ट नहीं कर पाता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन नेह विक्रम नास्वस्ति प्रत्यपाय न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्राहते महतमया। कहते हैं अर्जुन कहते मेरे लिए अगर थोड़ी सी समय को लेगा ना, थोड़ी सी मेरे भक्ति में मेरे नाम में मेरी कथा में थोड़ी सी समय अगर कोई लगा दे महत्वयात, उसको महत्वयात मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, हैं? कहते वो जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए निकल करके वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। कौन है, बोले मेरे लिए जो थोड़ी सी समय मेरे में लगा दे, मेरे भक्ति में लगा दे, ठीक है ना। आपको एक छोटी सी कथा सुना, हरे कृष्ण कोई बात मत करो, जो बात करके कान खड़े पकड़े खड़े कर दो, मुंह में हाथ लगा कर बैठे चारों तीनों बंदर बैठे थे ना, एक मुंह में एक कान में एक आंख में, एक आंख बंद कर दो एक कान और एक मुंह बंद कर दो, बंद कर दो हाथ बंद कर दो, ठीक है ये चारों को अलग अलग बैठे दो। हरे कृष्ण एक छोटी कथा सुना, बोले एक समय है कोई एक फेरी वाला किसी गांव में फेरी का काम करने गया, और बताओ ना फेरी वाला पहले सर में हाँ टोकरी में सब कुछ सारे सामान को उसमें रख लेते हैं, गांव 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 घूमते थे। एक दिन वो फेरी का काम करते करते गांव से बड़ी दूर तक चला गया,
देखा आज शाम को मैं गांव में वापस नहीं जा सकता हूँ, आज यहीं पर रुक करके दूसरे दिन अपना काम करूंगा। पूछे यार भैया यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था है? देखना पहले हर गांव में मंदिर होता था, भगवान के मंदिर कोई आए जाए हैं, जो पथिक है उसी मंदिर में रुकते थे। बोले हाँ यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है, आप रुक सकते हो। लेकिन वो दिन भर काम करते करते थक गया था, जब रुकने के लिए गया ना, वो गांव का एक नियम था, पूरा के पूरा गांव के लोग आकर के शाम को बैठते थे और मजीरा ढोलकी लेकर के हैं ठाकुर जी का कीर्तन होती थी। अगर बल्कि टीवी नहीं होता था, इंटरनेट स्मार्टफोन नहीं होता था, इसलिए लोग कहाँ बिताया करते थे, गीता रामायण भागवत टोली में बैठे कर हरि कीर्तन, ये बढ़िया चीज थी हैं। और ये इंटरनेट स्मार्टफोन उल्टा उल्टा आकर के सब जीवन को सब बच्चों को सब गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए पहले कोई इधर उधर नहीं, गीता रामायण बड़ो सत्संग बैठो कीर्तन करो, जीवन को हरि कीर्तन में बिता दो। और जो रामायण गीता भागवत पढ़ता था संस्कार पढ़ता था, क्योंकि रामायण पढ़ो उसमें क्या संस्कार पढ़ते थे, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः। सवेरे उठकर सबसे पहले क्या कर, पिता माता के चरण छो। अभी तो रामायण है, इन्हीं स्मार्टफोन है, इसलिए पिता माता को चरण छूते उनकी आदर ही नहीं करते, उनको सेवा नहीं करते। कारण क्या है, गीता भागवत तो पढ़ते नहीं। लेकिन पहले मैं भी जब छोटा बच्चा था उस हाथ से करताल छिल गया, इसलिए जब मैं भी छोटा था हमारे गांव में हर जगह पर क्या होता था, रामायण भागवत से पढ़ाई होती थी। हम लोग बचपन में जाकर बैठते थे और सुनते थे, हर शास्त्र में एक ही बात कहता था, ये जीवन दुर्लभ है, ये जीवन को नष्ट नहीं करनी चाहिए, ये जीवन 84 लाख जीवन को बाद में मिलना, इस जीवन पाकर प्रभु की भक्ति करो। किंतु गीता रामायण में तो एक बात है और लोग इसको सुन सुन कर ना कनकन में बैठ जाती थी, नहीं भक्ति करना भजन करना, जीवन दुर्लभ जीवन दिया है, इसलिए भक्ति करते थे। बोले हाँ वहां पर बैठ सकते हो, विश्राम कर सकते हो। लेकिन जो विश्राम करने गया ना, देखा वहां तक नियम है, शाम को सब बैठ करके ढोलकी मजीरा लेकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय। मजबूरी में बैठी करके ना कीर्तन सुनना पड़ा, ताली बजाना पड़ा। लेकिन बैठा कैसे, दीवार में सहारा दे करके सोते सोते। बोले सोचा इसमें तो कोई काम का नहीं, बिना टाइम पास कर रहे, इसमें तो कुछ मिलने वाले ही नहीं है, इसमें तो बेकार काम है। हाँ, अभी का लोग जैसे समझते ना, अरे टाइम पास करना, ये सब काम धाम कुछ नहीं, सब गोविंद जयते गोपाल जय जय करते है। अभी उसने मजबूरी में क्या किया, बैठ कर गोपाल जय जय किया। उसके बाद में फिर एक साधु आकर के ना फिर तो भगवान की कथा सुनाना शुरू करते। बोले भैया ये कहाँ से फिर आ गया, ठीक है मैं सोच रहा कीर्तन खत्म हो जाएगा सो गया, कीर्तन खत्म हो जाएगा सोऊंगा, फिर ये बीच में आकर के फिर ठाकुर जी का कथा सुनाना शुरू कर दिया। बड़ी चुप बैठ बैठ बात, इसलिए उन्होंने फिर उन्हें ठाकुर जी की कथा बोलना शुरू कर दिया है। अभी इच्छा है नहीं, तभी उसको मजबूर में कथा सुनना पड़ा। जब कथा खत्म हो गई ना, भैया चैन मिला है, बस हो गया। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई, थोड़ा मृत्यु होने पर थोड़ी कथा मृत्यु होने पर उसकी अभी जमदूत तो उसको पकड़ करके ले गए चित्रगुप्त के पास में। जब गए बोले इसका कॉपी करो, कितना पुण्य और कितने पाप किया है, उसका नाम क्या है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब क्या है, चित्र मतलब था फटो, गुप्त मतलब छुपा करके, छुपा करके जो हमारे सारे फटो ले रहे। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना,
ये मत समझो दस तला बिल्डिंग के ऊपर बैठ करके दरवाजा बंद करके मैं कुछ कर रहा हूँ तो देख नहीं रहा नहीं सारे फटस मर जा रहे जब काफ निकलेगा ना सब फटो निकलेगा हमने जिंदगी में क्या क्या कर्म किया वो सारे कर्म वहाँ पर लिखा चुका रहता है और मानव जीवन में कितने कर्म बनती हैं कितने कर्म बनती हैं एक जीवन का कर्म को भोगने के लिए हमें 84 लाख जन्म भटकना पड़ता है कितना जन्म एक जीवन में इतने कर्म हमारे बन जाते हैं इतने कर्म बन जाती है इसलिए जो मानव शरीर को इसलिए भगवान बोले भैया ये मानव शरीर नहीं मोक्ष करे द्वारा ये मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे 84 लाख के जन्म भटकते भटकते मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे हैं इसलिए इसी जीवन में भक्ति करके किसी तरह से संसार से निकल जाओ नहीं तो फिर क्या होगा शरीर गद्दे स्वर पेड़ पौधा पर जन्म इसलिए भगवान राम कहते सर पटकते रह जाओगे लेकिन ये मानव शरीर ठाकुर जी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा इसलिए जितना जल्दी हो क्या करो हरे कृष्णा माला छूटनी नहीं चाहिए एक चीज तो एकदम कांट बांध कर रखे क्या कांटे बांध कर रखे जहाँ चलेंगे माला लेकर चलेंगे घर में तो भजन करना रास्ता में जा रहे हो चलते हो बस क्या करो हरे कृष्ण नाम जप करते हो ठीक है ना गाड़ी में बस में कहीं जाते हो समय को भी बर्बाद नहीं करनी चाहे कहीं ले जाते हो माला को साथ में ले जाओ क्यों जितना जीवन में जो कुछ कर रहे हो जो कुछ करना तो कर लो अंतिम समय में क्या जाएगा बायोजी में ले जाएगा ना तो जीवन में जब यही जाएगा फिर उसको क्यों नहीं कर रहे हो जब दुनियादारी में जब इतने समय को बर्बाद कर रहे हो गप्पे पप्पे बैठी होंगे अगर बात हो जाए तो बात हो इससे मीठा तो कुछ नहीं है बस बैठ बैठ कर दो दो तीन तीन बेटा उसमें बैठ जाती है पर ये बेकार काम में क्यों समय लगा रहे हो ठीक है ना इधर उधर समय नहीं लगा कर क्या करो माला लेकर भगवान की नाम जो करो गीता पढ़ो रामायण ठीक है अभी चित्रगुप्त उसको ले गए पकड़ करके वैसे काफी खोलो कितने पाप और कितने पुण्य किया बोले महाराज तो कोई पुण्य किया ही फेरी का काम करता था झूठ मूठ बोल बोल कर पैसा कमाता था यही तो करता था कोई दान पुण्य साथ कुछ भी नहीं किया उसने बोले ठीक से देखो कुछ तो किया होगा पन्ना पलटा टपला तो बोले हाँ एक पुण्य है क्योंकि ये घूमते घूमते फेरी का काम करते करते गाँव में पहुंचा था जब वो विश्राम करने जा रहा था वो गाँव में रोज सत्संग होती थी कीर्तन हुआ करता था एक घंटा बैठा लेकिन एक घंटा जो बैठा है ना वो मजबूर में भक्ति से भी कीर्तन कथा नहीं सुना आधा सोते और आधा जगते थे क्या सोच रहा था ये तो बेकार काम इसमें तो कोई लाभ है ही नहीं ऐसे उसने कथा सुनी अगर भक्ति से सुनता तो कुछ लाभ होता बोले सुना तो बैठा तो है ना बोले हाँ बैठा था बोले उसको एक घंटा के लिए स्वर्ग दे दो एक घंटा उसको स्वर्ग दे दो क्योंकि कम से कम बैठा सुना है उसको बोले देखो एक घंटा हुआ करके वापस ले आना वहां पर चौकीदार था बोले देख हमारी कासा नहीं है एक घंटा भोगा करके वापस ले आना उसको पता एक घंटा से ज्यादा रुक नहीं सकता छोटी पकड़ कर ले जाएंगे बोले थोड़ा घूम घाम लेता हूँ कहाँ यहाँ पर क्या होता है वहां पर जो देखा है ना रंभा उर्वशी मेनका है स्त्रियां इतनी सुंदर कितने सुंदरी पता है कहते भारत में जितने स्त्रियां हैं इनके रूप को इकट्ठे कर दो इकट्ठे करने पर जितना सुंदर होगा वहां पर एक रंभा उर्वशी मेनका का रूप इतने सुंदर है इसलिए उनका तो देवी देवी मतलब क्या है कभी वो बुरी नहीं है टीन एज में हर समय टीन एज में रहती है उनका शरीर गर्मी का ठंडा में गर्मी रहती है कभी बुढ़ी बुढ़ा कोई नहीं होते हैं वहां पर इसलिए देवा देवी कहते हैं ना है इसलिए अजरा निर्जरा उनका अलग अलग से नाम है उनका सब नाम दिए गए हैं अभी और वहां पर जैसे सब सीमेंट बना हुआ ना वहाँ हीरे जवाहरात से बना हुआ जैसे यहाँ लाइट वहाँ लाइट नहीं है एक एक हीरे और ज्वेल से रख दिया उससे लाइट अपने आप लाइट हो रही थी और वहां पर पारिजात वृक्ष जो फूल कभी मुरझाता नहीं है सुधर्मा सभा जो बढ़ती रहती है घटती रहती है अद्भुत है उसको देख देख कर सोचा मैं कहीं स्वप्न देख रहा हूँ ना सचमुच से कहीं मैंने आ गया लेकिन कितना समय रह सकता है
एक घंटा रहे, उसके ज्यादा नहीं रह सकता। लेकिन वो घूमते घामते देखा एक एक कोने में कोई जा ही नहीं रहे, बोले क्या चक्कर इधर क्यों कहीं नहीं जा रहे। और उधर जाकर के देखा उपेंद्र है, उपेंद्र मतलब इंद्र का छोटे भाई और बामन भगवान, उस तरफ बामन भगवान, कुछ सात्विक संपन्न लोग चतुष्ण बैठे हुए और कुछ हरिसभा और कथा सुन रहे हैं, लेकिन वहां तो भोग में मस्त है इसलिए उधर कोई जा नहीं रहे थे। वहां जब गया उसको याद आया ये चित्रगुप्त तो क्या बोल रहा था, मैं कहीं एक घंटा कथा सत्संग में बैठा इसलिए एक घंटा स्वर्ग मिला। भैया यहाँ पे देख रहा हूँ सत्संग हरि कथा, अगर यहाँ बैठ जाऊंगा ना मेरा स्वर्ग कितना घंटा हो जाएगा, दो घंटा हो जाएगा। मतलब बैठ करके देखता हूँ कि चौथा के लिए बस वहीं पर बैठ गया, बोल बैठ करके उनको साथ में हरी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जयकार कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, झूम रहा था मस्ती, लेकिन देख रहा था एक घंटा कब होगा पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन उसने देखा एक घंटा तो हो गया लेकिन उसको लेने के लिए नहीं है, वो समझ गया कुछ इसका कुछ प्रभाव पड़ गया, वो तो उठाने अच्छे तरह से बैठ गया, उठना ही उठते ही नरक ले जाएंगे ना। अभी जो जमदूत ले गए तो बोले हमारा आसामी को वापिस तो कहाँ गया, उसने ढूंढने लगा व्यक्ति को मिले ही नहीं, बोले भैया कहाँ गए वो भैया, देखा उधर जाकर कोने में जो जाते नहीं जाकर देखा कथों में बैठा हुआ, वो सत्संग में बैठे हरि बोल हरि कृष्ण नाम ले रहा है सत्संग सुन रहे हैं। देखो जो हरि कीर्तन सत्संग सुनते हैं ना वो ठाकुर का गोद में बैठा, भगवान की गोद में बैठे। अगर इस समय किसका मृत्यु आ जाए ना जब तक आप कथा से नहीं उठोगे आपको कोई ले नहीं सकता, कोई हिम्मत नहीं आपको ले जाए यहाँ से, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा में कोई फर्क नहीं। भगवान खुद कहते हैं मत भक्ता जत्र दायते तत्र तिष्ठा निहारत, जहां पर मेरे भक्त मेरे कीर्तन कथा करते मैं वहीं रहता हूँ, सत्संग में ही भगवान का निवास है। इसलिए वो जमदूत वो स्वर्ग का जो प्रहरी आया वो देखा तो कथा में बैठा हुआ वापस चला गया, बोले भैया वो स्वर्ग क्यों आया था, बोले एक घंटा सत्संग सुना था, पर तो स्वर्ग में आकर उसने भोग भोगा ही नहीं, वो तो सीधा सत्संग में बैठा हुआ, इसलिए और एक घंटा हो गया, दो घंटा स्वर्ग हो गया क्योंकि एक घंटा सत्संग में बैठा हुआ है। उसने उन लोगों ने देखे भैया ये तो बड़ा चालाक निकला, ये तो सीधा सत्संग में बैठ गया, अभी दो घंटा इंतजार किए। लेकिन जब देखा कोई लेने के लिए भैया आ गया ना, बोले भैया यहाँ से उठना नहीं हो रहे उठेगा तो हम पकड़ कर ले जाएंगे, वो उठा ही नहीं अच्छे तरह से बैठ गया, अभी वो दो घंटा देखे लेकिन उठे ही नहीं, वो पूरा ऐसे करते 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 बैठ बैठ कर वापस जाना पड़ा। लेकिन वो व्यक्ति कथा सुनते सुनते बोले कथा सुनने का फल क्या है, भागवत कहता है श्रीणताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, जो भगवान की कथा सुनते हैं श्रीणताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, इससे बड़ा भक्ति का अंग कुछ नहीं है। इसलिए श्रुहिदि सताम विथुनोति श्रुहिदि सताम, एक उदाहरण दिया जैसे हम कथा सुन रहे हैं किधर से सुन रहे हैं कानों से, भगवान कान के माध्यम से कहाँ जा रहे हैं अंदर में जा रहे हैं, अंदर में जाकर क्या करते हैं उदाहरण दिया जैसे आपका घर में सबसे प्यारा कोई दोस्त आया, देखा है कि कुर्सी पड़ा हुआ लेकिन थोड़ा उसमें धूल जमा हुआ, वो दोस्त को नहीं बोलेगा तुम इसको साफ कर मैं बैठूंगा, प्यारा दोस्त है ना वो क्या करेगा अपना रुमाल निकालेगा साफ करके उसमें कुर्सी में बैठ जाएगा। क्या उसी तरह जब भगवान कानों के माध्यम से जब हृदय में जाते हैं ना, अगर हमारे हृदय में कोई गंदगी है, हृदय में कोई गंदगी है ठाकुर जी अपना रुमाल निकाल करके साफ करके ठाकुर जी दिल में बैठ जाते हैं। इसलिए उसने कथा सुनते 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 उसका हृदय निर्मल हो गया और वैकुंठ से रथ आया और बैठ करके सीधा ठाकुर जी को पास में चला गया। और वो जो जमदूत थे ना खड़े 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 होते 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 लास्ट में वापस आ गए। जब महाराज पूछा भैया वो गया कहाँ, बोले प्रभु तो बड़ा चालाक निकला, बोले क्या किया, बोले वो सीधा तो स्वर्ग में कोई भोग नहीं किया, वो सीधा जाकर के ठाकुर जी कथा में बैठ गया और तो सीधा कथा सुनते सुनते बाद ठाकुर के पास में वापस आ गए। जब महाराज खुश हो गए क्यों वो धर्मराज है, वो तो ये भी चाहते हैं कि इनको भगवत चरण की प्राप्ति हो जाए भगवत चरण की। इसलिए कहते भगवान की कथा अगर थोड़ी सी कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुने ना बस उसका इतने पुण्य इतने भक्ति जो हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए समझो आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है,
ठाकुर की कृपा से थोड़े समय हमें सत्संग और भगवान की कथा सुनने को मिला। ठीक है ना, सबके सब क्या करना, सबके सब समय को बर्बाद नहीं करना। माला को तो गांठ बांध लो, एक दिन भले ही खाना नहीं खाएंगे, एक दिन ऐसे नहीं होनी चाहिए माला नहीं किया है, पहले भजन बाद में भोजन। गुरु जी कहते थे जब गुरुदेव माला दिए हैं, माला नहीं कृष्ण को दिए हैं। एक दिन अगर माला तुमने नहीं जप किया तो ठाकुर जी भूखे रह गए, दिन भर ठाकुर जी भूखे रह गए, कपड़ा नहीं बदला, स्नान नहीं किया, स्वयं एक दिन भूखे रह जाओ, लेकिन माला को भी भूखा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना, और भागवत कथा हो रही है पास में, ये कथा हो रही है, और कथा में सबके सब आ रहे कि नहीं आ रहे, कौन कौन आ रहे, इसलिए सबके सब कथा सुनने के। देखो कथा ये चीज है, जैसे गुरु जी पौधा लगाए ना, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो मर जाएगा पौधा, मर जाएगी। पानी क्या है, सत्संग इसकी पानी है। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन बोलते कीर्तन भजन, आप भी गा लो वो भी गा ले, दोनों वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ विराज राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया, जल पर पार सवरिया, जल पर पार सवरिया। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ Yeah.
मैडम ये फोन ले लो, हाँ जी ये फोन ले लो, फोन हाँ जी मैडम ये फोन दे देना। वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा सुन कथा, हमारे संप्रदाय में एक संत हुए जिनका नाम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या नाम है? रघुनाथ दास। कहते उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम मनह-शिक्षा। क्या नाम है? मनह-शिक्षा। उनका नाम है मनह-शिक्षा। मनह-शिक्षा मतलब होता है हमारे जो 11 इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 11 इंद्रिया, लेकिन उनका राजा कौन है? मन। क्योंकि अब मन जो कहता है ना, इतना सारे इंद्रिया वही करते हैं। मन जो बोलेगा वही सब इंद्रिया करती। मन बोलेगा भैया बैठो, सारी इंद्रिया वहीं बैठ जाए। मन बोलेगा सिनेमा देखने के चलो, सिनेमा देखने चले जाएगा। बोले गोलगप्पे खाने के लिए चलो, चले जाएगा। अगर ये मन बोलेगा सत्संग में चलो, फिर क्या होगा? भी सत्संग में जाएगा। इसलिए ये सारी इंद्रियों का राजा ये मन है, इसलिए वो ग्रंथ का नाम है मनह-शिक्षा। अगर मन मन अगर सही हो गया ना, तो ना सब कुछ सही। अगर मन अगर गड़बड़ी है, सब गड़बड़ी है, सब गड़बड़ी है। इसलिए मन के ऊपर सब निर्भर करता है। इसलिए वो ग्रंथ का नाम हमने मनह-शिक्षा दिया है। उसका जो पहला जो श्लोक है, कहते गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सो सुजनी मुसर। मतलब सबसे जो आपकी निष्ठा होनी चाहिए, कहते श्री गुरु जी की चरण। यहाँ पर गुरु नहीं, कहते गुरु। गुरु मतलब होता है ये बहुवचन है, हैं? मतलब एक दीक्षा गुरु है, एक शिक्षा गुरु है, एक अंतर्ज्यामी गुरु और एक वर्तमान गुरु। चार गुरु है, ये चार तरह का गुरु है। जैसे भक्ति से आने से पहले किसने मेरे को भक्ति के मार्ग दिखाया, वो हो गए हमारे रास्ता दिखाने वाले। और एक होता है दीक्षा गुरु, जिससे मंत्र लिया। बोले एक होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु मतलब जिनको पास में भजन की शिक्षा हमको प्राप्त होता है। और एक गुरु है जो अंतर्ज्यामी गुरु। अंतर्ज्यामी गुरु कौन है? कृष्ण स्वयं हृदय में बैठ करके हमें जो प्रेरणा प्रदान करते हैं। कहते हैं प्रथम प्रदर्शक गुरु है, इन्हें ये अंतर्ज्यामी गुरु, ये कृष्ण बंदे जगत गुरु। इसलिए पहला नंबर में कहते हैं, पहले तुम्हारी जो निष्ठा होनी चाहिए किसको प्रति? गुरु वर्गो के प्रति तुम्हारी निष्ठा सबसे पहले गुरु है। कहते ना गुरु गोविंद दो खड़ी था लाग पाओ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। इसलिए पहले गुरु। उसके बाद में कहते गोष्ठ। गोष्ठ मतलब क्या है? कहते वृंदावन धाम में तुम्हारी रुचि होनी चाहिए, बोले गोष्ठा लय सो। बोले इसी वृंदावन धाम में जो भक्त लोग रहते हैं, हैं? जैसे नंद जसोदा है, वहां पर गोपियां, ये जितने सब भक्त हैं, सब भक्तों का प्रति भी तुम्हारी प्रेम होनी चाहिए। और भूषण गणे कहते जो ब्राह्मण है, वो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का जो देवता है कौन है? कहते ब्राह्मण है। बोले कौन सा ब्राह्मण है? अभी तक ना ब्राह्मण शराब भी पीने लगे, ब्राह्मण शराब भी पीड़ी भी फूंकते हैं, हैं? उल्टा पुलटा का मांस मछला सब खाना शुरू कर दिए। कहते ऐसे ब्राह्मण? बोले नहीं, ऐसे ब्राह्मण को नहीं। लेकिन जो ब्राह्मण सचमुच से वो ब्राह्मण का धर्म को जाचन कर रहे हैं, अपना दैवा वर्णाश्रम को जो पालन कर रहे हैं, अपना घर गृहस्थ में रह करके धर्म पूर्वक जो अपना मंत्र जप करना, ठाकुर जी को भक्ति करना, ऐसे जो ब्राह्मण है उनको प्रति भी तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए सुजने भूसर गणे। और कहते सुजने, कहते और कौन है? कहते सुजन कौन है? कहते चार वैष्णव धर्म, चार वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनन, ये चार वैष्णव संप्रदाय। इसलिए
इसलिए सब वैष्णवों को यथाजोग्य सम्मान दो, किसको अनादर नहीं करनी चाहिए, अपना संप्रदाय का निष्ठा तो अपना संप्रदाय में हो, लेकिन सारे संतों को जो शुद्ध वैष्णव परंपरा में है, ऐसे नहीं अपने आप जो कपड़े पहन लिए, कोई संप्रदाय संप्रदाय नहीं, कोई भजन भजन से कोई भजन भजन से कोई मतलब नहीं, कहते ऐसे नहीं, जो सचमुच से जो वैष्णव संप्रदाय धारा में जो आए हुए हैं, कहते उनको प्रति भी हमारी निष्ठा होनी चाहिए। भले सो मंत्री, कहते गुरुदेव ने हमें जो मंत्र प्रदान किए हैं, नियम है वो मंत्र को त्रिसंध्या ना जो गायत्री मंत्र में मिला है, हैं त्रिसंध्या कृष्ण मंत्र काम गायत्री सवेरे दोपहर शाम तीन टाइम उसको जप करनी चाहिए। ऐसे नहीं कहते तीन दिन अगर कंटिन्यू ये मंत्र को जप नहीं करते ना, और ये मंत्र शक्ति धीरे 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 खत्म होते जाता है, एक दिन जाते 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 फिर मंत्र शक्ति खत्म हो जाती है, हैं? इसलिए कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए अपने गुरु जी ने मंत्र दिया मंत्र ही नहीं जप किया, ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए, खाने से पहले गुरु मंत्र जप करके ही खानी चाहिए। और सो नामे, हमें जो भगवत नाम मिला है, हमें जो ठाकुर जी का नाम मिला है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं यह जप किया सब करिया निर्बंध, महाप्रभु बोले जो हरिनाम दिया है ये नाम को नियमित पूर्वक ये नाम को जप करनी चाहिए, ऐसे नहीं आज कर लिया कल माला जहां तक लटक रहा है, नहीं माला कभी भूखे नहीं जानी चाहिए, खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला कभी भूखे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना, हरिनाम को ठीक ठीक से करनी चाहिए। इसलिए सोमत प्रज नवच्युत द्वंत सरणी और राधा कृष्ण की चरण में हमारी एकांतिक भक्ति, एक अनिष्ट भक्ति श्री राधा कृष्ण की चरण में हमने रहनी चाहिए। इसलिए नर्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति हार नाही मोर कालेन्द्र कोले कदम इसलिए यहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हे भैया किसको मन को, कहते हैं मन तुम्हारी चरण पकड़ करके तुम्हें प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इस सबका प्रति प्रेम करो क्योंकि ये मन इतना दुष्ट है, इतना बदमाश ये मन, देखना सारे गंदे काम के लिए पहले तैयार बैठता है, कहीं शादी को जाना ना कितना दिन पहले सोचेगा कैसे सूप गांठ कैसे मिलना है, मैचिंग की घड़ी और जूता सबको मैचिंग होनी चाहिए, वो सबके सब पहले सोच कर बैठता है कौन सा सूट बैट पट मिल जाएगा, लेकिन जब उसको भजने की बात बताओ ना पता नहीं क्या क्या बहाना, अरे ये नहीं हो पाया समय नहीं मिला इसलिए, और उसी के लिए उसके लिए सारे समय है सारे समय उसी के लिए दे देता है, लेकिन जब भक्ति का नाम बताओ ना ये मन इतने बहानाबाजी मारने लग जाता है, इसलिए कहते भैया मन तेरे पाँव पड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, इसलिए क्या करो मेरी बात सुन लो, केवल एक जीवन मेरी बात सुन लो फिर तेरी बात सुनने का जरूरत है, क्योंकि एक जीवन अगर प्रभु मन उसकी बात सुन लो भजन कर लो ना बात संसार से मुक्त, फिर जो मन है ना जो अभी जो हमारा मन दुष्ट मन है, फिर जो हम मुक्त हो जाएंगे ना फिर ये मन शुद्ध हो जाता है, उसको तो फिर बिना बुलाए स्वाभाविक रूप में बंदी में चलती है, लेकिन एक जीवन किसी तरह से मन को समझा बुझा करके भजन में लगा तो बस हमारी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाप्रसाद की जय, यहाँ पर आसन करते सब।